Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Harpreet. So today's vlog is going to be a productive study vlog as a CBSE 11th grader. So without getting further ado, let's get started. So मैं start करती हूँ अपनी to-do list बनाना as usual. और आज का मेरा main motive था कि मुझे करना है complete अपना notes. क्योंकि यार मेरे स्कूल में कल ना नोट्स करेक्शन है और अगर मैं नोट्स नहीं कंप्लीट करूँगी तो शायद मुझे मार पड़ेगी. अरे यार मैं स्कूल में मार भी पड़ती है तो कोई बात नहीं. मैंने नोट्स कंप्लीट करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी और मैं यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी और ज़्यादातर मैंने नोट्स ही कम्प्लीट करना लिखा उसमें. सो अब इसके बाद मैंने यहाँ पे चार सब्जेक्ट ऐसे लिखे जो मुझे करने ही करने थे और मैंने शायद एक आईपी भी लिखा कि शायद अगर टाइम रह जाएगा और मेरा मन होगा तो मैं करूँगी वरना मैं नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था करना, इसका करेक्शन नहीं है. फिर मुझे मिला ये वड़ा पाव और जो मैं खाने जा रही थी और ये काफ़ी टेस्टी था खाने में. सो यहाँ पहले मैं खाऊँगी फिर पढ़ाई स्टार्ट करूँगी. फिर यहाँ पर मैं 8:24 पे स्टार्ट कर रही थी पढ़ाई और यहाँ मैं टाइमर सेट कर रही थी और इसका टाइमर का बहुत बड़ा रोल है आगे जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या हुआ था. सो यहाँ अभी मैंने स्टार्ट किया अकाउंट्स. अकाउंट्स में मुझे नोट्स पेपर लिखना था जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं 13 प्रिंसिपल्स वो लिखने थे. सो मैं वही लिख रही थी और यहाँ मैं बुक्स वगैरह से भी देख रही थी क्योंकि यहाँ सिंपल डेफिनेशन मुझे मिल नहीं रही थी. कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन थी हर जगह तो मैं उसे जितना सिंपल करके लिख सकूँ उतना सिंपल डेफिनेशन ढूंढ रही थी. सो जब मैं नोट्स बना रही थी तो मम्मी डिनर लेकर आ जाती करने के लिए और वो ठंडा हो जाता इस वजह से मैंने पहले सोचा इसको पॉज कर दो और फिर जाओ. सो मैंने 8:23 पे स्टार्ट किया था और अभी हो रहा है 8:42. 20 मिनट ही मैंने पढ़ाई की और अब मैं डिनर करूँगी. सो ये था आज का डिनर और आज डिनर मैंने ही बनाया था, मतलब सब्जी मैंने बनाई थी, रोटी मम्मा ने बनाई थी. सो इट्स अराउंड 9 समथिंग और मैं वापस आ गई थी, मतलब डिनर कर लिया था और फिर मैं जा रही थी वही जो मैंने स्टार्ट किया था अकाउंट्स उसके टर्म्स लिखने के लिए होमवर्क जो मिला था वो मैं अपनी नोट्स बना रही थी. सो अब मेरा ये हो गया था और अब शायद कुछ टाइम हो रहा अराउंड 9 समथिंग और मैंने टाइमर भी बंद कर दिया. सो मेरा ये हो गया था और मैंने यहाँ मार्क भी कर लिया उसे. सो यहाँ पे होता है बहुत बड़ा सा लोल जो मैंने टाइमर ऑन कर रही हूँ मैं और टाइमर ऑन होता नहीं है. सो अब मैं स्टार्ट करती बिजनेस स्टडीज और मैं उसमें जा रही थी अपनी नोट्स बनाने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. और रही बात टाइमर की तो वो ऑन नहीं होता है और उसके बाद मैं फिर आपको टाइम के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ. सो यहाँ मेरा हो गया था बिजनेस और मैंने बिजनेस स्टडीज की कंप्लीट कर ली थी नोट्स जहाँ तक बनाना था और उसमें मुझे बहुत कुछ लिखना था. मैंने बहुत ज़्यादा लिखा मेरिट्स थी, मेरिट इन्विटेशन से यार इतने सारे क्यों होते हैं. और हो रहा था अराउंड 10:33 PM और मेरे नोट्स इतने कम्प्लीट हो गए थे. सो यह अब मैं चाह रही थी मार्क करने और मैंने यहाँ मार्क कर दिया. सो मैं अब जा रही थी इकोनॉमिक्स पढ़ने और अभी बज रहा था 10:38. सो मैं अभी इकोनॉमिक्स मतलब पढ़ने नहीं मतलब लिखने में जा रही थी, रिजल्ट लिखने. इकोनॉमिक्स के नोट्स भी हो गए थे कंप्लीट और इट वाज अबाउट 11:24 PM. अब इसके बाद मैं करूँगी अपनी आई थिंक मैं करूँगी अब याद करना क्योंकि सारा नोट्स वर्क मेरा अब जाके कंप्लीट हो गया. और अब मैं स्टार्ट कर रही थी अकाउंट्स के प्रिंसिपल याद करना जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी था. और यार 13 प्रिंसिपल मतलब उसका कॉन्सेप्ट तो याद होता रहता है पर उसके अंदर नाम्स उसके हेडिंग्स वगैरह याद नहीं रहते. 13 हेडिंग्स याद करनी है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है याद करना. सो यार मैं भी उसी को याद कर रही थी. सो
सो अभी टाइम हो रहा था 12 और मैंने अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स तीनों ही रिवाइज कर लिया था जितना स्कूल में पढ़ाया गया था। तो यह मेरा सारा आज का स्कूल का जो पढ़ाया गया था वो सारा मैंने कर लिया था और ये मेरी टू डू लिस्ट कम्प्लीट हो जाती है। और रही बात आईपी की, तो मैंने पहले ही बोला था ये एडिशनल है और मैंने ऐसे ही लिखा था कि अगर टाइम हो और मेरा मन हो तो मैं ऐसे करूँगी, बट यार मुझे एडिटिंग भी करनी थी तो मैं कब सोती अगर ये आईपी भी करने लग जाती, तो कोई बात नहीं, इसकी चेकिंग नहीं है, सो क्या मैं इसे बाद में कर लूँगी। और अब मेरा काम कम्प्लीट हो गया था और ये मेरी शक्ल है और मैं स्नैपचैट का फिल्टर लगा के इसे अच्छी सी बना के शक्ल को आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो मेरी शक्ल एकदम उतर गई थी इतना पढ़ पढ़ के। सो हियर इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर यू गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो या बाय बाय गाइस। And also turn the notifications on for always getting my new updates. So yeah, now bye bye and final bye.